अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक इंडोर प्लांट से जिसको हम स्नो बुश कहते हैं। देखें इसको, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जिसको जैसे इसके ऊपर स्नो गिरी हुई है, लेकिन ये बहुत केयरलेस प्लांट है। आप इसको घर में कमरे में रख सकते हैं और इसको बस ब्राइट लाइट की ज़रूरत है, और आप इसकी पिंचिंग करते रहें। और इसमें येलो पिंक कलर की ये छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, इससे इससे पौधे की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आने ही वाली हैं, अभी छोटी छोटी आ रही हैं, आप देख सकते हैं इसमें पिंकिश कलर आ रहा है। बस इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में आप इसको रख सकते हैं, और इसको हर महीने फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। बहुत प्यारा प्लांट है, और जैसा कि हर पेड़ का कायदा है कि थोड़ी बहुत धूप उसको मिलना चाहिए, आप हर वीकली इसको धूप में रख सकते हैं। इसका वेल ड्रेन ड्रेनेज होल होना चाहिए, और जाड़ों में ये डोरमेंसी पर चला जाता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे ये मर गया, लेकिन ये मरा नहीं होता है। जैसे ही बाहर का मौसम आता है ये फिर से खिलने लगता है और इसकी पत्तियां फूटने लगती हैं। इसमें वाइट और पिंक कलर का शेड है। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत केयरलेस प्लांट है, इसलिए आप इसको अपने घर में रख सकते हैं और बगैर किसी फिक्र के, और आप इसको घर ले आइए और लगा लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।